Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. Yeah! Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. मैंने अपनी एयरलाइंस खोली है उड़न छू एयरलाइंस. एक्चुअली मुझे शुरू से इधर के उधर करने का बड़ा मजा आता था. मैंने अपनी सादत की वजह से बड़े झगड़े कराए. आपको बताया मैंने एक बार अपने चाचा चाची का तलाक करा दिया था. फिर भी उनके तीन बच्चे हैं. मेरे को शक है वो इधर उधर होके भी मिलते रहे थे. मैंने ये ट्रेवल एजेंसी का धंधा खोला. क्या बताऊँ ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या बताऊँ. कल एक कस्टमर आया, मेरे को कहता दो टिकट बुक कर दो. कहते एक पार्लियामेंट की, दूसरी सोनी टीवी की. मैंने कहा क्यों. कहते पार्लियामेंट के बाद इधर ही आना होता है. सिद्धू पाजी सच में मतलब बैंक में इतने खाते नहीं खुलते हैं जितने अलग अलग धंधे हमारी सोसाइटी में खुलते रहते हैं. पप्पू क्या चप्पू कप्पू का भाई चप्पू ये क्या खोल के बैठे हो यहाँ पर. मैंने इधर ना सर्कस खोला है, तभी इधर सारे जानवर कभी भी आ जा सकते हैं. ये क्या बात हुई. सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई. कहते ये क्या बात हुई. हेलो. हाँ सोनी साहब. हाँ मैं ठीक हूँ. यहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है. इसका मैं कुछ कर लूँ या आप कुछ करेंगे. हेलो सोनी साहब फोन रख. ये आपका जो लोगो आता ना साइड पे, ये इधर उसको बचा के रखना. कल चाय लेके घूम रही थी, कहती मैं डुबो के खाऊंगी. फालतू की बात करती है. देखिए पप्पू चप्पू कपड़ कप्पू लप्पू लप्पू जो भी नाम है आपका, आपको जो भी बिजनेस करना है ना कीजिए, लेकिन आपको मुझे पार्टनरशिप देनी होगी. आप एक काम कीजिए, अपनी इस एयरलाइन में आप मुझे एयर होस्टेस रख लीजिए. देखो एयर होस्टेस बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की होना जरूरी है. आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर मैं अपना ये मस्ता निकाल दूं ना तो सेम टू सेम दीपिका पादुकोण. ये तो कुछ भी नहीं, अगर कहीं तुम अपनी गर्दन उतार दो तो मुगलों का मटका लगोगी तुम. ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है. घड़ी की दोनों सुइयां, दो जिसमें एक जान होकर 12 बजा चुकी हैं और आपकी अभी तक सुबह तक नहीं हुई. देखो पंपा तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हारे मालिक की बेटी हूँ मैं. वो मालिक की बेटी, तुम क्या सोनी साहब की बेटी हो. 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे. और 3 महीने से जो हमारे हॉस्पिटल के 2 बेड नहीं मिले उन्हें बेच के खा चुकी हो क्या. हाँ तो जेब खर्चा भी कोई चीज होती है. अरे तो पेशेंट के साथ बेड को कौन बेचता है. ए चल चल अपना काम कर. ए चल 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 कहाँ चल 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 लगाइए तुम लोगों ने. देखो मैंने अपनी ट्रेवल एजेंसी खोली है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है. वाओ कैसी जॉब. ये तुम वो फ्लाइट में जो करते ना एयर होस्टेस. नहीं नहीं वो जो कपड़ा मारते हैं सीटों पे, तुम वो कर लेना. एक्सक्यूज मी क्या. मैं कपड़ा मारूंगी. और तुम्हें क्या आता है. नहीं नहीं आता है ना आता है, कमजोरी में इसे चक्कर आता है. लंगर खाने के बाद इसे डकार आता है और दोपहर को इसे पान वाले का फोन आता है कि कलकत्ता सादा खाना हो तो आ जाओ. हाय 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 हाय. अरे हाय नहीं कर रहा हूँ, दर्द से कर रहा हूँ. हाय ये कैसा हॉस्पिटल खोल के रखा है, मेरी किडनी निकाल दी. तुम लोगों ने इस गरीब की किडनी निकाल ली. हाँ तो एक हफ्ते बाद वापस दे देंगे. अच्छा। वो जरा दीपक को किराए पे दिए, मिल जाएगी. बम्पर आप चिंता मत कीजिए मैं हूँ. आप तो रहने दो, कल रात को आई थी मेरी ग्लूकोज की सारी बोतल पी गई है. ओए ज्यादा बोला ना, दूसरी किडनी भी निकाल लूंगी. मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा. तुम एक काम करो रामलाल की किडनी ले लो, 1500 में मिल जाएगी. मेरे पास 1500 भी नहीं है. अरे तो मेरे यहाँ जॉब कर लो ना. अच्छा काम वो जो मैं कहूँ. हाँ और 2000 रोज का. अच्छा करना क्या होगा. मैं आ गया, फटाफट जाके तैयार हो जाओ. ओके लेकिन कपड़े वपड़े तो दीजिए. अंदर पैराशूट है, फाड़ के ड्रेस बना लो.
हे भगवान, आपकी एक बनाई हुई बंदी को मैं आपके पास वापस भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। तू तो गई अब, तू गई, रुक जरा, रुक जरा। हेलो, हाँ सारे इंतजाम हो गए एयरलाइंस के? सरकार से लाइसेंस लेना भूल गए? नो प्रॉब्लम, मेरे पास है अपना, मेरे स्कूटर का लाइसेंस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। आओ 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 आओ। एक्सक्यूज मी जी, क्या उड़न छू ट्रैवल एयरलाइंस यही है? यही तो है, और क्या? आप अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हैं? ये मेरे पिताजी नहीं है। तो किसी के पिताजी को क्यों छोड़ने जा रही हैं? आपको गलत फहमी हो रही है, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं इनका पति हूँ और ये मेरी वाइफ। अरे बात, ये शर्म नहीं आई वाइफ की भावना से खिलवाड़ करते हुए? अरे इसकी जिंदगी खराब कर रहा है, चार दिन बचे थे लूडो खेल लेता। Excuse me. आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? अरे आप तो इतनी सी बात पे भड़क गई हैं, जो मेरे मन में था अगर वो बोल देता आप तो केस कर देती। मन में क्या था? मन में आमिर खान और मनीषा कोइराला। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, आप हमारे हनीमून की टिकट बुक कीजिए। ओके, तो हनीमून का लाइसेंस है आपके पास? हनीमून का लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी का लाइसेंस होता है। तो जाओ फिर गाड़ी के साथ मना लो हनीमून। फालतू में। एक काम करेंगे, हम आप दोनों को अलग अलग हनीमून पे भेजेंगे। अरे अरे एक मिनट, अलग अलग क्यों? देखो ऐसे साथ में जाएंगे तो मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। अभी क्या है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है पति और पत्नी को दोनों अलग अलग भेजेंगे। ऐसे कैसे, मैं हनीमून पे अकेले जाके क्या करूंगी? अरे किसने बोला अकेले जा रही, मैं जाऊंगा ना आपके साथ। आप कैसे जाएंगे? ऐसे बैठ के जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, क्या नहीं सुनो, ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति। तो मैं भी तो किसी का पति हूँ। तो अपनी पत्नी के साथ जाइए ना। अरे मेरी शादी कहाँ हुई है? तो पत्नी कहाँ से आ गई? तो ये पत्नी तो है, ये तो मेरी है। अब मेरी तो क्रिसमस होती है। अरे पागल हो जाऊंगा मैं। पागल आदमी के साथ शादी कर ली आपने? ओ माय गॉड। मैं जाऊंगा इनके साथ, मतलब इनके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम करके आऊंगा मैं, समझ में आया? एक मिनट, देखिए इनके साथ शादी मैंने की है, मैं जाऊंगा इनके साथ। आप अपना पैकेज बताइए कितने का है? 8 लाख। आठ लाख बहुत महंगा, चलो चलो चलो। अरे आपको पता ही नहीं हमारी सर्विसेज कैसी होती है। हेलो सर, सर क्या पैकेज दिया हनीमून का आपने, मजा आ गया। क्यों? बिल्कुल सच्ची, हमारी लाइफ कितनी अनरोमांटिक थी, लेकिन आपके पैकेज ने बदल दिया, मेरे अजय कुमार को अक्षय कुमार बना दिया। क्यों थक रही है तू? ऐसा हनीमून अरेंज किया कि हम गए थे दो लेकिन तीन होकर वापस आए। आप लोग हनीमून पे गए थे कि एकता कपूर के सीरियल में जो इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया? अरे क्या बताएं, वो जगह इतनी अच्छी थी, हर जगह हनीमून हनीमून हनीमून। लेकिन इनका पैकेज बहुत महंगा है। साफ फैसिलिटी भी तो है ना। अब जैसे आपातकालीन स्थिति में प्लेन को अगर क्रैश लैंडिंग करनी पड़े तो पैराशूट लेकर अकेले नहीं कूदते, एयर होस्टेस साथ में कूदती है। अच्छी। हाँ, और जब विमान पानी में उतरता है तब चारों ओर से सिक्स पैक वाले मॉडल्स आते हैं आपको बचाने के लिए। सच्ची? आप लोगों का हो गया, कोई बात नहीं, चलिए निकलिए। अरे सर मजा तो अभी आएगा, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी को भी ऐसे हनीमून पे भेजें। हैं? और हम भी एक बार फिर से होके आते हैं। नहीं, नहीं, अभी, 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 अभी कैसे? अरे बहुत मजा आएगा, चलते हैं ना। नहीं, नहीं, मुझे काम है एक्चुअली, बाय। मुझे काम है। अरे पापा, पापा मेरे को गोदी में उठाओ ना पापा। आजा बेटा, आजा। आप फटाफट पैकेज बुक करा लीजिए, हमारे पास सीट बहुत कम बची है, दो ही बची बस। देखिए आप थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना। ठीक है, मैं आपको 30% डिस्काउंट देता हूँ, बदले में आपको हमारा थोड़ा सा एक काम करना है, थोड़ा सामान लेके जाना है। क्या सामान है? ये ऐसे खाली खाली नशे का सामान है। अरे नहीं नहीं, हम कोई नशे का सामान नहीं लेके जाएंगे अपने साथ। अरे घबरा क्यों रहे हैं, आपके पास गन होगी ना? गन नहीं है ना हमारे पास। मैं दूंगा ना आपको, ये देखो। अरे नहीं, आप हमें फंसा रहे हैं। अच्छा, तो इतनी जवान वाइफ को फंसा सकते हो, हम थोड़ा सा नहीं फंसा सकते आपको? मैंने फंसा ही नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई है। ऐसे लव बड़े देखे मैंने, 4 साल ऑटो रिक्शा चलाया मैंने,
पीछे वाले शीशे से सब दिखता है मेरे को। अंदर सुनिए, आपको सस्ता पैकेज देता हूँ, उसमें खाली आपको 2500 रुपए की लोहे की जैकेट लेनी पड़ेगी। लोहे की जैकेट क्यों? ऐसे बॉर्डर क्रॉस कराएंगे ना आपको, जब भी तो तार लगी रहती है, तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे। अरे एक मिनट, गोली ले। हमारी नई नई शादी हुई और आप बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं? इस उम्र में शादी करके लिमिट क्रॉस कर सकते तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। देखो लास्ट डील, 5 लाख। बेबी पैसे दे दो ना। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो एक मिनट, लेकिन आप भेजेंगे कहाँ हमें? न्यूजीलैंड चले जाइए। नहीं नहीं, वहाँ बहुत ठंड होती है, मैं ठंड में मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी। तो स्पेन चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। नहीं नहीं, वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में ना मुझे चक्कर बहुत आते हैं। काम करो, मून पे चले जाओ। मून, वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम का मेरे को पता नहीं, वहाँ से स्वर्ग 2 किलोमीटर दूर है। आपका दिमाग खराब है, दिमाग कहीं जा रहे हैं आप? हेलो, आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले कभी किसी की टिकट कराई है कि नहीं? क्या बात कर रही है ये? अरे थोड़े दिन पहले सिद्धू जी की टिकट कराई, एयरलाइंस वालों ने हम पे केस कर दिया। क्यों? अरे जहाज की टिकट पे इलेक्शन में खड़े हो गए, ऊपर से जीत भी गए। इनका ऐसा ही है, उस दिन तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके यूपी में खड़े हो गए, कहते मैं इधर से लड़ूंगा। अरे जल्दी कीजिए, हमारे प्लेन के उड़ने का टाइम हो गया। ये लीजिए, लेकिन आप ना बिजनेस क्लास दीजिएगा। बिल्कुल बिजनेस क्लास, जल्दी करिए, प्लेन का टाइम हो गया। चलिए टेबल हटाइए। ये क्यों हटाइए? अरे तो जहाज कैसे निकल के तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा? ये भी करना है। हाँ चलो, बैठिए बैठिए बैठिए, फटाफट बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ये क्या है? आपने तो कहा था कि जहाज फुल है, सिर्फ 2 ही सीटें बची हुई है, तो पूरा खाली है। हाँ। 2 सीटें बाहुबली की बची हुई थी, मेरी बुआ जी गई थी वहाँ पिक्चर देखने, जहाज तो पूरा खाली है। अच्छा बैठिए ना, आप बताइए, आप अपना पायलट लेके आए? पायलट तो आपका होगा ना? पायलट जहाज वालों को आता है तो? चलो कोई नहीं, मिलजुल के उड़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे उड़ा लेंगे आप? हाँ 2 पायलट होते हैं, ऑटो पायलट होता है। मुझे आपका प्लेन चेक करना है अभी। ऑटो पायलट होता है? हाँ जी ऑटो पायलट होता है। अभी होता है ऑटो पायलट, तो चीख क्यों रहे हो इतना? अरे हम कहाँ चीख रहे हैं, बताना तो पड़ता है कि नहीं ऑटो पायलट होता है। हाँ तो आएगा ऑटो पायलट। अच्छा हेलो, ये कौन है? बोला ना ऑटो पायलट, मुर्गी को कम सुनाई देता है क्या? सुनाई देता क्या? चलो साहब मैं प्लेन उड़ाने जाती, और हाँ भाड़े के टाइम खोटी नहीं करने का, पैसा मैं खुला लेती, वो भी मीटर के हिसाब से। क्या? Okay. मीटर? क्या क्या क्या, कान की से पैदल है क्या? मन से काम आए, मुर्गी शिकली प्रगति झाली। गलत बोलती तुम्ही, मी महाराष्ट्र मुलगी आहे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। आप तो बहुत अच्छा नाचती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर चलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध के ना नचवाती हूँ तुम्हें मैं। अरे भाई साहब नाचने वाली है, हमें पता ही नहीं था। जल्दी बैठिए, पहले प्लेन उड़ने का शुभ मुहूर्त हो गया, बैठिए बैठिए। लेकिन आपकी पायलट पीछे कहाँ गई? अरे कॉकपिट तो आगे होता है। अभी होता है तो उसको क्या है, अभी ऐसे उड़ते हैं ना ऊंचाई से डर लगता है, तो इसलिए पीछे रखते हैं, तो चोंच में बैठ के उड़ाती है। चोंच में? हाँ। फटाफट बैठिए ना। लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे, हमने तो बिजनेस क्लास की टिकट ली है ना। यार बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो, चलो बैठो फटाफट। ये तो मेरा, इनका बिजनेस क्लास का कहाँ है बोर्डिंग पास? नहीं नहीं शादी हुई, बिजनेस कराओगे बेचारी से? उसको 4 दिन आराम करने दो बेचारी को। अरे नहीं बिजनेस कराने वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैठने की बात कर रहा हूँ यार मैं। अच्छा हाँ। लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती क्या? हाँ लड़कियों को कम मत समझना तुम। अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था डार्लिंग। ए जब मैं तो तलाक दे दे इसको। बहुत बहस करता है ये। इतनी सी बात के लिए तलाक दे दो? तो क्या बात बड़ी होने का इंतजार करें? देखिए ये हमारा पर्सनल मैटर, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमने बिजनेस क्लास इसलिए बुक किया कि कम्फर्टेबल होके जाएंगे, इसलिए बिजनेस क्लास ही चाहिए। अच्छा यार कम्फर्टेबल होना ना। हाँ बात करता है, चलो बैठो इधर बैठो। टॉयलेट सीट्स बहुत कंफर्टेबल होता है मैडम। चलिए प्लेन के टेक ऑफ का टाइम हो गया, फटाफट मुझे हग कर लो आप। अरे एक मिनट, हग क्यों करना है? अरे सीट बेल्ट नहीं है ना, हग करेंगे तो ऐसे गिरेंगे नहीं मतलब। अच्छा एक मिनट, आपकी एयर होस्टेस नहीं आई अभी तक? नहीं आई 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 आई। अच्छा अच्छा सुनो एयर होस्टेस, मैं अंदर जाके गूगल पे चेक करके आता हूँ प्लेन कैसे उड़ाते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या क्या
क्या क्या क्या क्या बैठी ना चुपचाप बैठी क्या 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 लेकिन आप बैठिए 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 May I have your attention, please? हमारे विमान में चार मुख्य पायलट हैं, दो पायलट आगे दो पायलट पीछे अरे गलत है चार मुख्य द्वार होते दो आगे दो पीछे सॉरी सॉरी गलत हो गया मैं सॉरी 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 हमारा विमान आपातकालीन स्थिति में जब हवा में उतरेगा अरे एक मिनट फिर गलत है यार आपातकालीन स्थिति में हवा में नहीं पानी में उतरेगा तू कर ले बुड्ढे तू कर ले आजा 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 आप करो नहीं तुझे आप करो आजा तुझे आता है ना इतना आप करो अबे आजा क्या लेकिन तुम ठीक से तो बोलो ना देखिए मैं जितना भी ठीक से बोल लूं आपातकालीन स्थिति में तेरा बाप भी हमें नहीं बचा सकता है मुझे ना भूख लगी है मेन्यू में क्या है बताओ चलो कॉकरोच दो प्याजा छी आप वेजिटेरियन नहीं नहीं वो वेजिटेरियन ही था फिर कॉकरोच बीच में आ गया आप खाना चाहें तो खाइए अगर नहीं खाना है तो हमारे पास वेज चिकन भी है वेज चिकन हाँ मुर्गे ने अपनी लाइफ में सिर्फ शाकाहारी खाना खाया है अच्छा इस हिसाब से तो अगर हमारा फास्ट होगा तो आप हमें भूखा मुर्गा खिला देंगे अरे वाह बड़ी ही कमाल की बात की है आपने खैर आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस विमान में आप प्लीज बिल्कुल भी पानी ना पिएं क्यों 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 क्या है कि हमारा जो टॉयलेट है ना वो बार बार एकदम जाम हो जाता है अरे आप क्या बकवास कर रही है कुछ भी बोले जा रही है तब से हैं आप आंख किसे मार रहे हैं नहीं मार नहीं रहे आदत है नहीं एक बार वापस करके दिखाइए दूं क्या क्यों दूं अब लोग धीरे नहीं बात कर सकते हम लोग पीछे सो रहे थे यार क्या सो रहे अरे इधर हमें भूख लगी है खाने को कुछ भी नहीं है खाने को तो खाने को आ जाएगा कोई ना कोई इधर अभी मूंगफली गरमा गरम मूंगफली मूंगफली गरमा गरम मूंगफली मूंगफली जहाज में मूंगफली कौन बेचता है भाई वाह जब इंसान जहाज में बीरें बेचता था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा सा चखना भेजा तो प्रॉब्लम होगी साहब अरे ये मिस्टर कालिया है इन्हीं का जहाज है चले दो क्या ये कालिया लेकिन कालिया तो थोड़े बड़े थे ना जब पैसा नहीं होता है तो इंसान छोटा हो ही जाता है साहब कुछ भी कहिए साहब आपकी बियर बैंकों को बहुत महंगी पड़ी पैसे गए हैं जनाब शौक नहीं गए मैं तो कहता हूँ मैडम जी कभी कैलेंडर में फोटो शूट करवाना हो तो बता देना मेरे को कालिया साहब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है चलिए अंदर चलिए आपके वो दो बूंद बियर के पीने का टाइम हो गया चलिए आइए चलिए अरे मूंगफली अरे भूख लगी है देखो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ शोर मत मचाना आराम से चले खाओ इधर भी गिरे हैं खा लो ये एक एक इधर छुपा हुआ है खा लेना आराम से चूहा चूहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आपके प्लेन में चूहा है चूहा चूहा कहा बम्पर जाके देखो चूहा कहा है उसका टिकट चेक करो वरना फाइन मारो दिखाओ 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 टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ चूहे का ओह आई एम सो सॉरी मुझे लगा चूहिया का अरे वो ऑटो पायलट आप चूहे को लेकर ट्रैवल करते हैं तुम कौन सा शेर लेकर ट्रैवल कर रही हो ए हेलो कैप्टन जी आप इधर क्या कर रहे हैं प्लेन कौन उड़ा रहा है आप यहाँ है तो कैप्टन चप्पू शर्मा प्लेन उड़ा रहे हैं ओके ओके अरे कैप्टन चप्पू आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं अरे नई फिल्म लगी हुई देख रहा था तुम्हें नहीं पता बाथरूम में क्या करते तो प्लेन कौन उड़ा रहा है भाई अरे प्लेन उड़ा रही है कैप्टन सरला मुझे लगा आप अंदर हैं मुझे भी वही लगा वो कॉकपिट ना अंदर से लॉक हो गया है मैं अभी कैप्टन को फोन करती हूँ अरे ये दोनों यहाँ पर हैं तो प्लेन कौन उड़ा रहा है सरप्राइज एक एक विशेष सूचना हमारा विमान थोड़ा सा खराब हो गया है आप में से दुआ मांगना किसे आता है मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है तो आप एक काम कीजिए आप दुआ मांग लीजिए बाकियों के लिए हमारे पास पैराशूट है अरे ऐसे कैसे मुझे पैराशूट चाहिए पैराशूट दो नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा हाँ पैराशूट बोलो पैराशूट बोलो पैराशूट
देखे जहाज आपातकालीन स्थिति में आता है, जहाज को कोई भी विकता आती है, समस्या आती है, जहाज में मरने की स्थिति आ जाती है, मरना नहीं चाहते हैं। ये हमारी कंपनी का एकमात्र पैराशूट जो आपको बचा सके। पैराशूट ले ला, ले ले। अरे प्लेन में पैराशूट कौन बेचता है यार? मैं बेचता हूँ। क्या बस स्टैंड पे बेचू? ले ले। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मास्क कहाँ है? ऑक्सीजन मास्क। मास्क। हाँ है, ये रहा, ये रहा मास्क। दो दो जल्दी दो। स्पाइडरमैन का मास्क। स्पाइडरमैन मास्क। ऑक्सीजन मास्क दीजिए ना। इधर हम लोग मरने जा रहे हैं, तुम औरतों की चॉइस नहीं खत्म होती। जो है लगा लो इधर फटाफट। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम रुक गए होते ना तो नहीं होती है ये सब। अभी मिठाइयां बांट रहे सबको। अरे नहीं नहीं, ये वो खुशखबरी वाली उल्टी नहीं है। और करो इससे शादी, किसी जवान से की होती तो अभी हम सब मिठाई खा रहे होते। अरे इससे शादी करने से अच्छा तो आप चुगली कर लेती। खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो। ओए सुन चप्पू तुम। ए खबरदार तो मेरे मालिक के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ कहा तो तमीज से बात करो। ए, हमारे पेशेंट से तमीज से बात कर। यहाँ पर ये चाहिए, चाहिए। यहाँ पर ये इतना लड़ रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं फ्लाइट में नहीं बोलता आजकल। मेरी बात क्या कर रहे हैं ये सब? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे बात करते हैं कस्टमर से? ऐसे करते हैं? अरे बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इनको आराम से पीट सकते हैं। अरे 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 पहले तुम अरे एक क्या दरवाजा टूट जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।